Good evening all. Welcome to digital. Previous lesson के लिए पढ़ने के लिए नाम कंप्लीट किए था टॉप टीचर सी नाम चैप्टर किस टॉप अच्छी नुआ चैप्टर स्टार्ट करेगा प्रोनाउन ओके व्हाट इज प्रोनाउन What is pronoun? What is pronoun? pronoun. मतलब pronoun ओके प्रोनाउन मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन ओके प्रोनाउन मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन क्लियर सो ए प्रोनाउन इज वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन अवॉइड The repetition of noun. Okay. क्या मैं noun का repetition को avoid करना पाए, reduce करना पाए, या रे use करूँ? तो क्या मैं कौन बोलूँ? ना pronoun बोलूँ. Clear? Okay. Pronoun को उसे क्या मैं कोई बारी बात? Pronoun is otherwise known as replacer. Pronoun is otherwise known as replacer. Clear? इधर बेसिक जिन्स ऑफ नाउन प्रोनाउन ओके नेक्स्ट जो है प्रोनाउन आर टेन टाइप्स प्रोनाउन बेसिकली टेन टाइप्स ओके वन इज अ पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन possessive pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, reciprocal pronoun, universal pronoun, distributive pronoun and indefinite pronoun. Okay. Bujha personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun. Interrogative pronoun, reciprocal pronoun, universal pronoun, distributive pronoun, and indefinite pronoun. Clear? Okay. First is your personal pronoun. First is your personal pronoun. What is personal pronoun? Personal pronoun are used for three persons. सिंगुलर फॉर्म सेकेंड जो जब पर्सन को आइडेंटिफाई करेगा सेकेंड पर्सन में बात होने करो यू हम प्लूरल का आप करो प्लूरल फॉर्म में बात होने बात होने सिंगुलर फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में थर्ड फॉर्म में कॉलेज पर एक बार सिंगुलर आप जैसे पर प्लूरल जैसे सिंगुलर के से की सी इट ओके बट प्लूरल के से आप एक बार एक बार तब हम ए जो पेयरिंग था उसी हमसे सिंगुलर का पेयरिंग ए पेयरिंग हो जाएगा प्लूरल फॉर्म मुझे लगा क्या इधर हम जहां को आइडेंटिफाई कर ले देखिए
बट आम यूजुअली में यूज कर पारे वैसे नॉर्मल में यूज कर छि का को नॉमिनेटिव केस एंड सेकंड इज योर ऑब्जेक्टिव केस बुझला प्रोनाउन रे सब पहले इंपोर्टेंट कथा हो छि टाइप्स चिन्हिबा और सेकंड कथा केस केस र काम हो छि केवल या को आमे सेंटेंस रे यूज करबा तो यूजेज बोल करबे ओके देखो आई को हम यूज कर छै नॉमिनेटिव केस रे तो नॉमिनेटिव केस रो ऑब्जेक्टिव केस हि जो पहले ओके सेमती सी रो हम पहले कोन हबो सी रो अपन कर कोन हे जबो हां हे जबो ओके देखो आई रो नॉमिनेटिव केस आई रो आपन रो ऑब्जेक्टिव केस प्ले कोन हे जबो मी हे जबो तंदी सी रो आपन रो ऑब्जेक्टिव केस आन कोन हे जबो ना कोन हे दे रो से की कोन हो प्ले देम हे जबो कोन रो कर वी रो कोन हे जबो ऑस हे जबो ई रो कोन हे जबो प्ले हिम हे जबो ई रो कोन हो आपन रो ई हे जबो ई रो कोन हे जबो ओके पिला एटा भूल कर दे प्ले ई हवे इधर मैक्सो पिला को कर दिया थी ना ये शुभ ले कर दे छोटा एक फूल ले जाए ओके ये हवा ना मंदर का ओके वो मंदर का तो इधर कौन हो पे इधर ओके नेक्स्ट वन नेक्स्ट बार हमारा यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन हमें पर्सनल प्रोनाउन का यूज हमें को को जगह करेगा ओके पहले जी वी यूज ऑफ वी एंड आई वी आर आई रे पहले हमें यूज को को जगह पे करबा हम जानिबा ओके वी एंड आई आर यूज फॉर पास्ट पर्सन हम जान छी कि पूर्व लिखि दे आई एंड वी को ये को हम यूज करबा कोठी ना प्लुरल पाई ये को हम यूज होइबा पास्ट पर्सन यूज सिंगुलर यूज पास्ट पर्सन ओके आई एम ए टीचर देखो एटे आपन द्वारा यूज होई छी आई ओके ये सिंगुलर फॉर्म यूज होई छी अरे रेजी वी गो टू स्कूल देखा जाए वी को आपण को यूज करें प्लुरल फॉर्म में ये वाला प्लुरल फॉर्म बुझेला ना कि सेमदी यू रा मध्ये यूज हमें केमि करबा यूज यूज फॉर सेकंड पर्सन ठीक है ग्रुप वाइज ओके यू ये आपण को यूज हो कोन आप से त मध्ये यूज हो ये से त हमें मॉडल मध्ये यूज कराए ये पॉसिबल है नो प्रॉब्लम सेमदी ही रा यूज हमें को बुझेला करबा थर्ड पर्सन से त करबा एंड ही सी इट ओके मैं हम थर्ड पर्सन रे यूज करबा तें जे आपण जरा इट रे यूज मध्ये काम करिबा इटा मॉडल तो इंपॉर्टेंट इटा इट इज यूज फॉर एनिमल्स इन्फेंट्स इंसेक्ट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इट रे यूज आपण कुकु जगह करि पारिबा ना एनिमल्स इन्फेंट्स इंसेक्ट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स फाइनली यूज करि इंडिया is a developing country lekhai chhi india is a developing country india ko apan dora replace kari ki ta jagare ke apan dora pronoun ko lekhai chhi it lekhai chhi kaina kita usote non living things of bujhba chala nahi to sethi pai india pai apan dora pronoun form re kon lekhala hai it lekhala da bujhi parcho basic things of je difficult nahi okay use of they ले देर यूज हमें को जगह रे करि परबा हमें कहि दे या को हमरा यूज करा जाय कोन दे को हमें यूज करि परबा को से प्लुरल फॉर्म में अगे एटा हो छी इट ऑफ प्लुरल फॉर्म आई की को पे यूज करा जबो माइग्रेंट पे यूज करि परबा दे एनिमल पे यूज करि परबा दे बार पे यूज करि परबा दे नॉलेजिंग केस रे मध्ये यूज करता बट एको सबला में को केस रे यूज करबा ना प्लुरल फॉर्म में यूज करे तो डायग्राम को करती लिखि दिली जे जहां पिले अगे ये हो सकता है अपन का कांसेप्ट मुझे लगता है डायग्राम जो कि मॉडल तो आपको मिल जाएगा ओके दे आर गर्ल्स देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर छी मैनकाइंड को रिप्रेजेंट कर छी देखो अब दे आर चेयर्स क्रिएट नॉलेज इन थिंग्स को इंडिकेट कर छी दे आर कैट्स देखो ये अपन का एनिमल्स को इंडिकेट कर छी अब दे रो यूज हम मैनकाइंड पे कर पेगा ओके एनिमल पे मत यूज कर पाएगा
बार्स का यूज कर पाएगा एवं लॉन्ग नॉन लिविंग थिंग्स का यूज कर पाएगा ओके ये थे आपण कर जनरल आपण कर पर्सनल प्रोनाउन का यूज विचार है नेक्स्ट जो आपले देयर आर सम रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड बाय डीलिंग विथ पर्सनल प्रोनाउन किसी क्या रिलेटेड किसी अच्छा में कांसेप्ट जानिएगा ओके ये को जगह में कौन यूज करू छे ये कांसेप्ट जानिएगा और ये कांसेप्ट है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये हम क्या अपन कर ये कांसेप्ट के लिए कहा जाए 2-3-1 रूल बाद में कभी पारी बा प्रोनाउन इज यूज इन एक्शन या को एक्शन केस प्रोनाउन का मैं एक्शन केस में केमिति यूज करेगा ये होचे फर्स्ट इफ ऑल द थ्री पर्संस दैट इज फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन और टू आउट ऑफ थ्री पर्संस आर कमिंग इन ए सिंगल सेंटेंस देन द ऑर्डर और द प्रोनाउन दैट टू बी फॉलोड 2-3-1 के ही मिले मुश्किल है पूछा था के ही उसी पाए करते ओके एक कांसेप्ट को टिकिया में इजी पर भी मुझे आया ओके जितने मैं पहले आप लोग करा जो पेयरिंग का मैं यूज करूं चाहे प्रोन आप लोग करा प्रोनाउन का पेयरिंग को यूज करूं चाहे ये सिंगुलर का यूज कर पहले मेरे लिए बोला कि मुझे ऐसे मेरे लिए मुझे पहले ना मेरे लिखा भी मुझे पहले ना स्टेटमेंट का मीनिंग ना कुछ पहले ये बोला कि मुझे कौन कोई ये को हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज कर पाने का एक बार हमें प्लूरल केस में मतलब यूज कर पाने का कैन यूज करें जदि आपनकर पेयरिंग ता आपनकर यूज हे थाए पेयरिंग यूज हे थाए सिंगुलर फॉर्म रे हमें यूज हे थाए तले ऑर्डर ता माने सब ने यूज करबा ऑर्डर ता 2-3-1 ये कोड में यूज हो ना यूज हो पॉजिटिव सेंस में जदि सेंटेंस रो मीनिंग ता पॉजिटिव सेंस को डिनोट करूची हमें एवं पेयरिंग का अपन में जो सिंगुलर है पेयरिंग माने कौन एक्सेप्ट करना डाउट तो पेयरिंग माने कौन ओके पेयरिंग माने के कौन मैंने कि तो कौन सी चीज दूसरा कॉल के लिए कि दूसरा डाउट को ये पूछा है देखो ये सिंगुलर पेयरिंग है प्लूरल पेयरिंग है मैंने से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जब आप थर्ड पर्सन लिख लिए तो बोल लेगा आई वी लिख दे यू यू समझ तक कुछ नहीं लिख के डाल दो पी सी एच इतना आप लगा दे वो भाई ए पेयरिंग का होता है अपन का प्लूरल पेयरिंग ए पेयरिंग का होता है सिंगुलर पेयरिंग ये कौन सी बात अरे ये कौन सी बात क्लियर थी बट लेकिन यदि सिंगुलर पेयरिंग रहूची पॉजिटिव सेंस को डिनोट करूची अरे ऑर्डर करियो टू मतलब फर्स्ट वाइज सेकंड पर्सन देन रे थर्ड पर्सन देन रे फर्स्ट पर्सन क्लियर ये यदि नेगेटिव सेंस को अपन को इंडिकेट करा तो नेगेटिव सेंस रे यूज होला यार ऑर्डर करी वो फास्ट फास्ट यूज करो पड़ा ना फास्ट पर्सन सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन ये कांसेप्ट का मुझे रहा ना मुझे रहा आउट रे कुछ इले जदी पेयरिंग का तमार रहिला सिंगुलर ताले सेंस डिनोट करतु हमर पॉजिटिव सेंस ताले ऑर्डर का कौन रहिबो फास्ट रहिबो सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन देन यूज करतु ये जदी ये पॉजिटिव सेंस को डिनोट करतु थाए एवं ये अपन तर सिंगुलर पेयरिंग केस रे यूज होतु तले एक केस ऑर्डर ऑफ फर्स्ट फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन ओके सेमिति यदि प्लुरल केस में अपन प्लुरल पेयरिंग यूज हो मतलब ए पेयरिंग फॉर्म का अपन क्वेश्चन देखो ओके तले ए पेयरिंग में अपन कौन फॉर्म यूज हो ओके से कहो छी यदि ए पॉजिटिव सेंस हो पा नेगेटिव सेंस रे दउ ओके ये ऑर्डर का सब बड़े पिला अपन उधर लिखबो 1 2 3 ओका तरफ जेला का जेला नहीं ऑर्डर का समझ लीजिए वो वाइन करते हैं मुझे ना नहीं तो प्लूरल पे एक में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो ऑर्डर है जो वाइन करते हैं ये बोलो जो भी सिंगुलर पे एक में ची अरे सेकंड से यूज़ हो पॉजिटिव से यूज़ ची तो फर्स्ट ऑर्डर में इसको 2-3-1 मतलब सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन इनके सब पॉजिटिव से इनके सब नेगेटिव से ऑर्डर इज 1-2-3 मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन क्लियर ना आंदा मुझे पहले ना मुझे पहले नहीं देखा जो स्टेटमेंट है इसके लिए बट तो मैं एग्जांपल का समझ पहले सुनो तो हम बात कर मुझे पहले ओके यू ही एंड आई हैव स्कोर गुड मार्क्स प्लीज स्टेटमेंट का पढ़ना पड़े तो हमारा सेंस लोग पॉजिटिव लगा कुछ ना नेगेटिव लगा
यू ही एंड आई हैव स्कोर गुड मार्क ता माने एटा हमर सेंस ला लागो छी पॉजिटिव बुझे लागला रे एटा हमर सेंस ला लागो छी पॉजिटिव ला लागो छी एटा जे प्ले पेयरिंग ला देई छी यू ही एंड आई प्लेटा सिंगुलर पेयरिंग ना देरा सिंगुलर पेयरिंग देई छी ओके तारे मु कहि देली जदी आपनकर सेंस ता पॉजिटिव हो थाए ताले आपनकर सिंगुलर पेयरिंग रो ऑर्डर नंबर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन तो देखो इथे देखो यू देई छी मतलब यू इज द सेकंड पर्सन ही हो छी हम थर्ड पर्सन एवं आई हो छी आपन अंदर फर्स्ट पर्सन ताले 2 3 1 ऑर्डर रे रहि लागि ने वो कथा बुझा ये 2 3 1 ऑर्डर रे रहि लागि ने ओके देन आपन अंदर सेकंड पेयरिंग कथा जब देखियो आ गेल छी यू ही आर डूइंग ए ग्रेट जॉब ग्रेट सेंस से करै गेला पॉजिटिव सेंस से गेला ताले पॉजिटिव सेंस रे देखो जते सब बेले जे ऑर्डर ता 2 3 1 रहि गेल छी कहले ने अरे ऑर्डर के तो गोटा पेयरिंग बने कर रहे हैं ओके तले ये जरा देखो जदी आपन 2 3 1 ऑर्डर आप लिखिबा है ना ऑर्डर आपन को पेयरिंग को दर छ सिंगुलर दर छ तले ऑर्डर आछ 2 3 1 में देखो ये छ 2 देखो छ 3 बट 1 नहीं ताले स्टेटमेंट की को बुझबा तो रे नेसेसरी हो जे आपन को सब बड़े तीन का पेयरिंग दर पेयरिंग तो आपन को कोन सिंगल पेयरिंग मते देख करियो ओके तो ये ऑर्डर मते देख करियो 2 3 बुझबा लगे नहीं एक कांसेप्ट का समझते ध्यान कर लो बुझी पाला तो बुझी पाला तो ये कांसेप्ट का कौन कही जदी पेयरिंग का सिंगुलर देखा है पॉजिटिव सेंस को रिलेट करता है ताला ऑर्डर 2 3 1 जदी आपन का पेयरिंग का प्लुरल केस में देखा है अगर हम प्लुरल पर्सन को रिलेट करता है ताला आपन का नेगेटिव सेंस है ओके इटा हो गया नेगेटिव सेंस ओके नेगेटिव सेंस ये क्या रिलेट करबो 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जदी प्लुरल पेयरिंग हो छी ताला बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव में जदी यूज हो छी ताला आपन को ऑर्डर है 1 ओके ये हो चीज निकाले पांच सर बुझे आपने इसे डाउट अच्छी बोले क्लियर था नेक्स्ट केस बारे में बात अब हम जो केस के लिए बोले कि दिल बहुत दिल से केस ये अपन को आ गया ओके कॉन्सेप्ट पे कौन डाल पाएगा मुझे वो ट्राई करो इफ ऑल थ्री ऑप्शंस or two out of three persons are used in single sentence which is a negative sentence ke proof pe likhe le liye chote bola concept ko likhe le ke ko de jab negative sentence re use ho chi tal order ta amar two form me rahibo first person second person then third person ye order to ame kuchi 1 2 3 ta mane first person then second person then third person lo kotha bujhi pale to dikhe proof se jinsa ta don't korte okay Let's see, I, you, and we are guilty and we will be punished. What are the problems? A case, it is sense that they see, a sense that for the positive sense and negative sense. A negative sense, January, I, you, and you, and we gave you a problem, sir, a singular pairing. Okay. तो सेकंड कथा देई छी अपन कर गिल्टी एवं अपन कर पनिश ए दो दीटा वर्ड अपन को लिखा है छी दीटा वर्ड छी नेगेटिव वर्ड ए वर्ड हम जाने सारा में ए वर्ड हम जे अपन कर नेगेटिव सेंस रे यूज करा बुझी पाल गिल्टी एवं अपन कर पनिश ए दीटा का वर्ड हम सब नेगेटिव तो नेगेटिव सेंस जदि ये डिनोट करू छी ताले ऑर्डर का किला अपन कौन हो सब बोले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन ना 1 2 3 हो अपन कर एटा अपन कर पड़ी तो देखो जेटा आपन सर यूज है ये देखो तो यूज है फर्स्ट पर्सन देन यूज है सेकंड पर्सन देखो तो ये यूज है थर्ड पर्सन अबे हम इसे तोरे चेक कर लेला यदि ये नेगेटिव सेंस रे यूज हो छी तले ऑर्डर हम आपन कर कोन 1 2 ओके तो ऑर्डर दैट इज टू बी फॉलोड बाय यूजिंग प्लुरल प्रोनाउन दे वी एंड यू ए कथा ठीक हो छी यदि प्लुरल पेयरिंग हो छी से पॉजिटिव सेंस रे दो बात नेगेटिव सेंस रे दो तले ऑर्डर टा हम सब बड़े कोथे रहियो 1 2 3 दो बता के फास्ट लिखी दे ओके तले एक ऐसे देखो दे छी वी यू एंड दे ले ये हो छी प्लुरल प्लुरल ओके वी विल बी आउटेड फॉर गुड वर्क वी हैव डन मतलब हम का कुआ ये सेंस का अपन का पॉजिटिव ना नेगेटिव पॉजिटिव सेंस हमें जाने के लिए सब दिस गुड वर्क दे छी हले ये पॉजिटिव सेंस को डिनोट कर छी क्लियर यदि आपन अगर पॉजिटिव सेंस को किया आपन अगर डिनोट कला त ऑर्डर का कौन है 1 देखो ये होची आपन अगर प्लुरल पेयरिंग
क्लियर ताले ये निकला अपन तरह फर्स्ट ये निकला अपन तरह सेकंड पर्सन ये निकला अपन तरह थर्ड पर्सन माने पढ़ो जी तो वी यू एंड दे जो लिखी थी पहले ये जो प्लेयर इन था कुछ बात ना कुछ बात ना अरे कुछ बात तो तू हम पहले ये काहे के लिए थी वो बात तो चला था तो ये निकला अपन तरह फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ओके यदि प्लुरल प्लेयर इन रहिबो पॉजिटिव सेंस रे दो बा नेगेटिव सेंस रे दो अन ऑर्डर का समय रहिबो 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन ओके बुझी पाला पूरा कांसेप्ट क्लियर 1 2 3 रूट कॉर्ड 1 अपन 2 3 1 रूट कॉर्ड पॉजिटिव सेंस के लिए रूट टाइम जो बहुत नेगेटिव सेंस को टाइम जो बुझी पाला ओके नेक्स्ट कांसेप्ट प्लीज बात प्ले ए पॉइंट को इंपॉर्टेंट वाली तरफ ए क्वेश्चन अपन कर मुझे तो तुमको करे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे बुझ में आता ये को इंपॉर्टेंट वाली रख दो इंपॉर्टेंट वाली रख बुझ रहा ए क्वेश्चन के लिए अपन कर ओ ट्रिपल एस सी फॉर डबल एस सी एग्जाम रे फिलर क्वेश्चन रे सब बड़े पूछा फिलर मैं जानि छे सब बड़े अपन इंग्लिश का पार्ट है अपन को स्टेट गवर्नमेंट का फिलर बेस दी इंस्टॉल कर बेस क्लियर इटे प्ले कौन दे छे देखो व्हाट लाइक लेट लाइक बिटवीन एंड व्हाट एक्सेप्ट ऑल प्रीपोजिशंस आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस पूछा रहा हूं और बता पूछा रहा नहीं ए जगह रे हमर सबोले यूज होसि कोन ना ऑब्जेक्टिव केस बुझला त कोन माने रखिबो ता माने लेट हो बा अपन कर लाइक हो बा बिटवीन हो बा ऑन हो बट हो बा एक्सेप्ट हो ता आउले स आउट कर दबो ऑल प्रीपोजिशंस हो ओके ला आउले जंत बता आइ परबो बिसाइड्स ओके ई एक्सप्रेशन पर हम सब बड़े यूज करबा कोन ना ऑब्जेक्टिव केस बुझला नै ले ऑब्जेक्टिव केस माने हम जानि रहे कि ऑब्जेक्टिव केस कोनटा दैट्स अ पे ऑब्जेक्टिव केस कोनटा जानि रहे ओके पता के केस ऊपर के जरा के हाय ई जेंसन आपले डायरेक्टली धरि परबो बुझला बुझला ठीक है केस विषय में जानेगा ओके केस विषय जाने वाला पर आगे पूछेगा ओके प्ले मैं रोने अपन कर टेबल अपन कर टेबुलेशन ड्रा कर ओके प्ले टेबल टे ड्रा कर ये को ये मन रखो ओके जो ये ना भले मन रखियो हमको यूज करा लो प्रॉब्लम प्ले हमारा बेटा अच्छी सब्जेक्टिव केस आउट ऑफ प्ले अपन कर ऑब्जेक्टिव केस पहले बड़ा शॉर्टली दोस्तों के सब कांसेप्ट रही हो ओके देन हो जाए अपन करो पॉजिटिव केस ना बढ़िया से मान रखो ना डाउट है ना पहुंचे ओके ये जो पॉजिटिव केस भी अच्छी ओके ये टैबुलेशन का समझते नोट डाउन कर रख देते देखो पहले ये जो पॉजिटिव केस अच्छी पॉजिटिव केस दोटा पार्ट रहता है वो गोटे पॉजिटिव एडजेक्टिव रह परबो आउ जो पॉजिटिव नाउन जलो बड़े पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं पाइबो आउ नहीं पाइबो पोजेसिव प्रोग्राम में क्लियर प्ले बेटा बोला कि बुझो ये तो मुझे पहले ही इसमें प्रॉब्लम है ओके सब्जेक्टिव केस का पहले यूज को छे आई अरे यार ऑब्जेक्टिव केस कौन है जो छे मुझे पता ना नहीं ताले पहले यार पोजेसिव एडजेक्टिव कौन हो बेटा जो पोजेसिव एडजेक्टिव ये कैसा करो जो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज पोजेसिव ना मुझे पता ना तले इधर आप लोग यूज़ करो अब माइ पोजेसिव निकला आ जाते तले पोजेसिव प्रोनाउन कौन है जीवन माइ तले ये वाला तो तुम मन रखते हैं पढ़ी हो आई मी माइ माइ बुझी बात हो रहा है पहले तो हम कोई नहीं जब ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ हो आई बता रहे थे यूज़ हो पहले तो हम कोई पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हो सके कौन यूज़ हो माइ पहले तो यूज़ कर लिया अपना पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करो तो सीधा यूज़ हो माइ तले आप लोग केस से रहे ओके सबसे वी फाइंड का है फॉर्म करिबा कॉस्ट यूज करिबा एवं आवर देन यूज करिबा
ऑब्जेक्टिव केस मतलब जहां एक्यूसेटिव केस ऑफ प्रोनाउन वन मुझे लग रहा है कि टॉर में हो सर बिकॉज़ इन केस ऑफ ए कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव केस द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड आल्सो द नॉमिनेटिव केस नॉमिनेटिव केस मींस इज ऑब्जेक्टिव केस ताला में जाएगा को एक्सप्रेशन फॉर एन सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में यूज करेगा क्लियर मन रखो पहले मैं शॉर्टली कह दूं मन रखियो दैन एज एवं बी भाग बी भाग तो मुझे जानी चाहिए इज आम आर ओके वाच ओए ले ये एक्सप्रेशन और है हमें सब बड़े यूज करेगा सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन और कथन आप उसी का लाना उसी का लानी ये स्टेटमेंट अगर लेकिन जो नॉमिनेटिव केस पे नॉमिनेटिव केस मींस जहां सब्जेक्टिव केस मींस बुझी पाच जो ना बुझी पाच ओके बुझी पाच जो ना बुझी पाच तब ये जो देखो देखिए ही इज एज फास्ट एज मी बुझ पाच ना ये देखो हमारा एक्सप्रेशन कौन यूज करा एज यूज कर मु तो कोई ले एज दैन एंड वी वर आफ्टर द एक्सप्रेशंस लाइक दैन एज एंड वी वर वी ऑलवेज यूज नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन और सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्लियर तब ये जगह देखो हमारा एक्सप्रेशन के लिए कौन यूज कर छी एज यूज कर छी पास पर देखा टी यूज रीच अपन अपना ऑब्जेक्टिव केस अपन ये ठीक से बोल छे ये बोल छे ये होगा कथा के लिए कौन ना आई होगा मुझे पता है इसी पे देखो आज पर के लिए कौन यूज छे आई यूज तो आई का कॉन्टेक्स्ट कुछ कुछ पता ना क्या ये यूज देखो ये अपन का यूज रीच अपन का है पे कोई नहीं अपने केस में माने रखी है मुझे लगा नहीं तो कंफ्यूजन हो आई जैसे मी मी जैसे माई जैसे माई यूज करो मुझे लगा नहीं ये तो देखो सेकंड स्टेटमेंट जरा ही इज बेटर दैन के एक्सप्रेशन हम कौन यूज की दैन एंड लिख के देखो दैन तो दैन को हम कौन यूज करबा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस चल देखो ये हिम नहीं मिले चले बंद देख लो चले ये हिम ना मिले अपन तो ऑब्जेक्टिव केस चला ना नहीं कि तो मतलब दरकार मिले कौन सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन चले हिम को सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्लिक करो ही हो बुझे चले रे चले ये हिम ऑफ यूज हो बनी से देखो हम कौन यूज करबा यूज करियो बुझ बात ना इससे पहले देखो हिम चले हम सब कौन यूज हो छी नाही वो कथा बुझेला ए दुइटा केस पे भलो की मन रखो ए अपन को ओ डबल सी पे प्लस ये पिलर क्वेश्चन है पढो आउ तो कहू छी लेट लाइक बिटवीन एंड गॉड एक्सेप्ट एंड ऑल प्रीपोजिशन एंड डिसाइड्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज अदरवाइज नोन एज एक्यूसेटिव केस ऑफ प्रोनाउन क्लियर सेकंड एक्सप्रेशन इज आफ्टर द एक्सप्रेशंस लाइक दैन एज वी वर मींस is are was were okay after the expression we always use nominative or subjective case of pronoun clear ei dui ta part le mone raila ei dui ta concept bhalo bujhi parlo doubt kichu nai bujhi parlo nai le ek note down kore rakhu to bujhi parlo nai ei expression par ame use koriba subjective case pronoun ei case par ame use koriba nominative case pronoun ye three of class filler questions exammetre 50 sabu bele repeatedly asche exam le बुझे तो नहीं देखो भल से क्या बुझो क्लियर ए डायग्राम का समान मान रहे हैं टेबलेशन का मान रहे हैं वही टेबलेशन का कौन भी कर दिया बुझी पालो बे ओके जीवा नेक्स्ट पार्ट प्ले क्लियर ओके सॉरी Then comes to possessive pronoun. Then comes to possessive pronoun. Okay. जो जिनसे ठीक हुए हैं वो diagrammatically कोई भी नहीं, तारे यूज़ जा पड़ा करेंगे क्या? Okay. Possessive pronoun are used to indicate possession. Okay. For example, कुछ expression आपने यूज़ किया होगा. और ये, for example, mine. yours her their ours last part of the sentence we did possessive pronoun hum dui ta indicate karte bade indicate karte possessive adjective aur indicate karte possessive pronoun matlab last part okay noun is not used after the possessive pronoun ye bhi very important hai sab noun is not used after the possessive pronoun possessive pronoun pore ame noun ko use kariba okay this is my book ekta jo this is my book
એટલે યુઝ હી કરીબો કી સે કોઉસી આપણે નામ ફોર્મમાં યુઝ કરી પડે મતલબ બુઝમાં લગા દેખા દેખી નામ લેસી પ્લે બુઝ પડતો ને યાર પર આપણે નામ યુઝ કરી પડે માઇન પર હું કહી પડે ધીસ ઇઝ માઇન એટલે પ્લે કી દઉં ધીસ ઇઝ માઇન સે ગા હસુ ઓર કોઈ પડે બટ કહી પડે ધીસ ઇઝ માઇન બુક કહી પડે એના માઇન હું છે આપણો પોઝિશન પ્રોનાઉન હું પોઝિશન પ્રોનાઉન પર આપણે કોન્ટેક્ટ યુઝ કરી પાલીવાની નામ ઓકે યર ઓન વિડિયો હું કહી પડે યાર કરેક્ટ ફોર્મ આલે હું કોણ હોમ હું કહી પડે ધીસ ઇઝ યોર્સ બુક કોણ કહી પડે ધીસ ઇઝ યોર્સ બુક ઓકે ઈએ બી ભૂલ હે જોરે પ્લે બુઝાય જરા ને ઈએ બી ભૂલ જો આમ હું જદી કહી કોણ કહી હું કહી ધીસ ઇઝ યોર્સ બુક સે આઈડેન્ટિફાઈ કરી લેના જલે તમે એ એક્સપ્રેશન બરાબર રહીલા પર એ એક્સપ્રેશન બોલે બુઝવા તો નહી હું નાઉન રો યુઝ કરી પાઈ છું ઓકે બોગા તો બુઝવા એટલે ભલા કોન્સેપ્ટ એટલે મન રાખો આફ્ટર ધ પોઝેસિવ પ્રોનાઉન વી કેન નોટ યુઝ નાઉન ક્લિયર આફ્ટર ધ પોઝેસિવ પ્રોનાઉન વી કેન નોટ યુઝ નાઉન બુઝેલા ને નહી લંબા સેન્ટેન્સ ઉપર દેખી લો પેલે કામ કર્યા પૂરી કરો પોઝેસિવ પ્રોનાઉન લખી હું તાપર આઈડેન્ટિફાઈ કરી દેખી ઓબ્જેક્ટ ફોર્મ્યુલે નામ સિજારેલો ઓકે આને જાણીલે જે પોઝિશન પ્રોનાઉન પરે આને નાઉન યુઝ કરી પરવા મીન્સ માઇન પર આને નાઉન યુઝ કરી પરવા યોર્સ પર આને નાઉન યુઝ કરી પરવા ફર્સ્ટ પર આને નાઉન યુઝ કરી પરવા ડેસ પર આવાસ પર આને નાઉન યુઝ કરી પરવા ક્લિયર એક કન્સેપ્ટ પૂછો છે ને આવર યોર હર देयर એસેટ્રા આર કોલ્ડ પોઝિશન એડજેક્ટિવ ઠીક છે પ્રોબ્લેમ મતલબ ડાયગ્રામ કહી છે હવે એમાં તો આપણે કોણ બોલી કહેવા પોઝિશન એડજેક્ટિવ હું ડાયગ્રામ પર આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી દીધી સબ્જેક્ટ કેસ કોકા સબ્જેક્ટ કેસ મુકા પોઝિશન કેસ કોકા પોઝિશન ઓફ નાઉન કોકા પોઝિશન એડજેક્ટિવ કોડા ડાયગ્રામ ની અંદર મેન્શન કરી દીધી ઓકે તે જે તો પડે કવર કરા છે ક્લિયર બોલતા બુઝ્યા એટલે આપણે પોઝિશન એડજેક્ટિવ થી જાવ છો આવર યોર આર દે એટલે આપણે કોણ બોલી કહેવા નું પોઝિશન એડજેક્ટિવ બુઝ્યા એ કોન્સેપ્ટ એટલે ક્લિયર આવ્યા ને ઓકે ક્લિયર next part now is used after possessive adjective which is very important answer pehla dekha ye dite kote bhalo jaisa ke liye mone rakho ye exam pe important ye filler time hota hai tumhara on tumne jodi possessive apadungara use hela possessive noun dite kul kul kahil je ya pore ame noun use kari pariba nahi સેકન્ડ પાર્ટ માં મને રાખો જદી સે આપણો કરો યુઝ હે છે પોઝિટિવ એડજેક્ટિવ મો કથાડા પૂછી પાલો કે પૂછી પાલો એ ક્વેશ્ચન કે આપણો ક્લિયર હેલ્પ કરીવો તાળે યા પર અમે યુઝ કરી પાલીવા નાઉન ર જે કુછ ઠીક હો એ જોડે કોન્સેપ્ટ મને રાખો એ ક્લિયર રે પૂછે લેવો ક્યુ ઇન ધ ગ્લાન્સ પૂછે ઓકે દેખો દેખી કે આપણો કરો એટલે કોણ દેખી કે કોણ એટલે દેખી આપણો ધીસ ઇઝ માઇન કા દેખો કે આપણો અંદર માઇન જે કોણ લાગી પોઝિશન એડજેક્ટિવ આ પર દેખાતે યુઝ છે નામ યુઝ થઈ ભાઈ કોણ કોણ કહે કે રાઈટ બી નામ છે કોણ છે જે આ સેટરે હું છે કોઈ તરી ડાયગ્રામ ના બોલ કે ભાઈ પોઝિશન પ્રોનાઉન અને પોઝિશન આપણો કરો સોરી પોઝિશન એડજેક્ટિવ સોરી એટલે હું આપણો કરો પોઝિશન એડજેક્ટિવ એટલે કોઈ જો પોઝિશન એડજેક્ટિવ યે યુઝ પોઝિશન પ્રોનાઉન યુઝ પોઝિશન એડજેક્ટિવ પોઝિશન પ્રોનાઉન પર આપણે નામ રે યુઝ કરી પડેલા નથી તો પોઝિશન એડજેક્ટિવ પર આપણે યુઝ કરી શકીએ બુઝેલો તો ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ લે મને રાખો દેખો એટલે દેખી છે ધીસ ઇઝ માઇન કાર ઇઝી લાગી પાડે બટ કોન્સેપ્ટ આ પૂછે દેખો કે માઇન હું છે પોઝિશન એડજેક્ટિવ એટલે માઇન પર કે આપણો તો યુઝ કરી લે છે કાર યુઝ છે એટલે કે નામ ના એ પર એક પ્રોસેસ છે ધીસ ઇઝ યોર પેન દેખો એ જે આપણો પોઝિશન એડજેક્ટિવ પેન લીધી નામ એ યુઝ હે પર કી સસ છે એટા હું થોડા ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ કે કે કુ નોટા હું ક્લિયર બુજી પાછો ના બુજી પાછો એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ એ આપણો ફિલર રે બહુ હેલ્પ કરી બુજી પાછો ના ક્લિયર એ કોન્સેપ્ટ ઓકે બુજી પાછો ક્લિયર ક્લિક કોન્સેપ્ટ નેક્સ્ટ પાર્ટ બુજી પાછો યુઝ અપ ફોર પોઝિશન પ્રોનાઉન અમે પોઝિશન પ્રોનાઉન રો યુઝ કરી જાયગા તે વે a verb comes in between a noun and pronoun jab noun and pronoun bhitare kile se kuch jaldi verb asela possessive pronoun is bada badhiya concept
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ଏବଂ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ପୋଜେସିଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଦେଖ ୟୋର୍ସ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କମା ମାଇନ୍ ଦ ୱର୍ଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ବୁଝୁଅଛ ନା, ଏଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ୟୋର୍ସ, ଏଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଇନ୍, ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଛେ କ'ଣ, ଦେଖ ଏଠି ଡି ଓର୍ସ ଟି ୟୁଜ୍ କରାଗଲା, ଏଠି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ ବେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, କମ୍ପାରିଜନ ସେନ୍ସ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରାଗଲା। ହଏ ତ ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଭଟ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଲ ପୋଜିସନ ରେଞ୍ଜ ହେଲା, ଓକେ, ତ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ ତମେ କହିବ କେମିତି, ଦେଖ ଏଠି ପିଲା ୟୋର୍ସ ଟାଇପ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତମର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରୁଛୁ, ଇ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଭର୍ବ ହେଇଗଲା। ଦ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହେଲେ ବି ଇଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି କ'ଣ ନାଉନ୍ ଫର୍ମ, ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ବସିପାରିବ ସୁନେଲ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବୟବ ଲାଗୁଛି ଆଇନେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ପୋଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନକୁ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ କହିଥିଲି ଯଦି ନାଉନ୍ ଆଣି ପ୍ରୋନାଉନ ଥିବ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ପୋଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ। ଓକେ, ଏବଂ ପୋଜେସିଭ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଯଦି ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ପୋଜେସିଭ ମତଲବ ସେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରେ ପ୍ରୋନାଉନ ହେଇପାରେ, ବୁଝିଲ ତ, ମିନ୍ସ ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରୋନାଉନ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ବୁଝିଲ ତ, ଯଦି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଫର୍ମରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିପାରୁଛେ ଆଉ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, କୋଉ ଟାଇମ୍ କରିପାରିବା, ୱେନ୍ ଦ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଡ୍ ବାଇ ଅ ପପୁଲେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୋଡ ୱେନ୍ ଦ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଡ୍ ବାଇ ଅ ପପୁଲେ, ପ୍ରେସିଡେଡ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ ପ୍ରେସିଡେଡ୍ ର ମତଲବ ହଉଛି ଫୁଟବଲ, ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ହଉଛି ପର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, କେତେ କୁହା ହେଇଛି ପ୍ରେସିଡେଡ୍ ମତଲବ ଫୁଟବଲ। ୱେନ୍ ଦ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଡ୍ ବାଇ ଅ ୱି ୟୁଜ୍ ପୋଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ, ଏ କନ୍ସେପ୍ଟ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ପିଲାରେ ପଢ଼ାଯାଏ। That is pair of yours last, okay? ଦେଖିଲ ଏ ଜାଗାରେ ପିଲେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ପୋଜେସିଭ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ପୋଜେସିଭ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା। ଦେଖ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ ରେ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ, ସେ କହୁଛି ଆପଣ ପୋଜେସିଭ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିପୋଜିସନ ଅଫ୍ ରେ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ତାହେଲେ ଇଏ ହବ। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲି ଇଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍, ପ୍ରଥମ କଥା ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, କହୁଛି ନାଉନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପୋଜେସିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ପୋଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କ୍ରିୟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ପୋଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଓ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଆକୁ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଫର୍ମରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ଫର୍ମରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ହଉ, ଯଦି ପୋଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହଉ ବା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଫ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ପ୍ରିସିଡେଡ୍ ବାଇ କି ତା ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ପ୍ରିସିଡେଡ୍ ବାଇ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, କ୍ଲିୟର, ଏ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିଲ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ପରେ there are some rules which must be followed to ensure the grammatical accuracy while studying possessive, okay, kon concept jara possessive pronoun are not used with the words like separation, leave, excuse,
mention, report, pardon, sign, favor. मोंडे रखियो है तू, ओके? ठीक हो गया ना मतलब बोलती, जे पोजेसिव प्रोनाउन को हमें कोई जगह रे ग्रामेटिकली हमें यूज करी परिवार ना ही ना भी, कहाँ सही में यूज करी परिवार? तेरे वाले भोला का क्या कुछ मन? जो दिया मैं कोई यूज करूँ नहीं, अबे ये भार का कुछ इम्पोर्टेंट, ये भार का यूज का कुछ हमें इम्पोर्टेंट যদি আমি ভর প্রাকো মনে রাখিবা তাহলে আমি ইউজেস করি পারিবা সো পজেসিভ প্রোনাউন আর নট ইউজ উইথ দ্য ওয়ার্ডস লাইক সেপারেশন ইউ শুড রিমেম্বার ইট ইউ শুড রিমেম্বার লিভ ইউ শুড রিমেম্বার এক্সকিউজ ইউ শুড রিমেম্বার মেনশন রিপোর্ট পার্ডন সাইন ফেভার এই পার্টিকুলার ভার পরে আমি ইউজ করি পারিবা না তাহলে আমি ইউজ করি পারিবা না পজেসিভ पॉजिटिव प्रोनाउन हम यूज कर पाए ओके बेले में कोनो ये पॉजिटिव प्रोनाउन ये सब बोले कन्वर्ट हो जीव को उठि प्ले ना ये पॉजिटिव एडजेक्टिव को प्ले तले एथी देखो सी नीड्स योर फेवर क्लियर रिकॉर्ड करा सी नीड्स योर फेवर प्ले के योर टाइम में कोन देखो ये हो प्ले स्पेशल वर्ब यो मतलब फेवर बेटा हम पढ़ी फेवर पूर्व तो अपन को यूज ही टाइम कोन पॉजिटिव यूज कर इंप्लीट है को प्रकार पॉजिटिव रे पॉजिटिव प्रोनाउन ओके तारे ए जगह रे हमें ए क्वेश्चन पे मिल लिख परिवा सी नीड्स फेवर फ्रॉम यू बा में मिल लिख परिवा ये को मिल लिख परिवा फेवर ऑफ यूज ये भी ठीक है बुझला ये भी फेवर फ्रॉम यू ये लिख परिवा नल फेवर ऑफ यू से पहले से मैं हम कहली से पॉजिटिव प्रोनाउन शुड बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एडजेक्टिव देखो इथे हमर यूज हेला पहले योर होय रे पहले यू आ अपन रातारे पॉजिटिव प्रोनाउन होउची योर तले पॉजिटिव अपन एडजेक्टिव कोले गेला यूज एग्जांपल जाय पे चाहू छी यार यूज तमे जानि छी कि नहीं ओके ये मतलब ठीक है फेवर ऑफ यूज ओके तार मतलब रखो ए जो अपन कर वर्ब का यूज है वो सेंटेंस रे या सहित अपन जो पॉजिटिव प्रोनाउन यूज हो नाही ये सब बेले का से यूज हो ना पॉजिटिव एडजेक्टिव से यूज हो ओके देखो सही पॉजिटिव एडजेक्टिव के से कथा कोई यदि डायरेक्टली तो बेटा मन में रखियो तो आपने से मन में रखियो जाने पर जो पॉजिटिव प्रोनाउन को पॉजिटिव एडजेक्टिव बुझो क्या ओके देन कम्स टू नेक्स्ट कांसेप्ट नेक्स्ट वन इज अपोस्ट्रोफी प्ले ये को हमें नाउन रे पढ़ीतिले कोने पढ़ची ओके एक बार मैं नाउन में पढ़ थी अपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड पॉजेसिव प्रोनाउन बुझला पॉजेसिव प्रोनाउन सहित फिर आपन को अपोस्ट्रोफी यूज हुए ना नहीं पॉजेसिव प्रोनाउन सहित माने बोला कोई से पॉजेसिव प्रोनाउन आपन माइंड में से क्वेश्चन आसीबो जे पॉजेसिव प्रोनाउन को का से कोई से टेबुलेशन उड़ा को माइंड में रे मन रखो को का सब्जेक्टिव केस कोटा ऑब्जेक्टिव केस कोटा पॉजेसिव एडजेक्टिव कोटा पॉजेसिव प्रोनाउन बुझबो तो नहीं बुझ पाला তাহলে ইয়ে কোচি পজেসিভ প্রোনাউন সহিত আপনার অ্যাপোস্ট্রোফি এস কি ইউজ করা যাবে আই হ্যাভ এ কার ইটস কালার ইজ রেড বুঝলেন দেখি আপনি এটা যে ইস কো ইউজ করা হয়েছে এ ইউজটা কোন অ্যাপোস্ট্রোফি এটা কি ইস ভিতরে যে আপনারা ইউজ হয়েছে কি ই উপর আমরা যে সিম্বল এ কোন অ্যাপোস্ট্রোফি সিম্বল আগে ই হই অ্যাপোস্ট্রোফি সাইন ইয়েস রাইট আপনারা পজেসিভ প্রোনাউন কো ইউজ করা যায় তাই আমরা কোন করি পারিবা its color is on the back its color is red color same tense by jo ke pile apan kar possessive pronoun apan kar hatibo se jagah re sabode kar bosibo possessive adjective so eta mone rakha ki parikshan important jo jagah re pile apan kar possessive pronoun ko ame hatiba use kariba na se jagah re sabode use kariba kon possessive क्लियर यदि ऑप्शन में तेरे कोई से एडजेक्टिव थी बोल कर सकते हैं मुझे ना क्लियर ले नेक्स्ट कांसेप्ट जो नेक्स्ट कांसेप्ट ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओके पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना बहुत ज्यादा है बहुत ही यूज कर सकते हैं यूज करो तो ओके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहले हमें कहीं पर intensify pronoun reflexive pronoun is otherwise known as intensify pronoun
an intensifier pronoun is otherwise known as emphatic pronoun. Clear? Emphatic pronoun. ताले जो word होता करो aim में आप लोगों का पहले self ही use नहीं करेगा ताकि हमें कौन कौन करेगा अरे flexible pronoun बोलते हैं करो जैसे आप कुछ myself, yourself, ourself, himself, themselves, ourselves, okay? So these are the reflexive pronoun, these are the emphatic pronoun, these are the intensified pronoun. Clear? So reflexive pronoun are formed by joining suffix self to personal pronoun. See, कुछ personal pronoun तो इधर जैसे हमें use करते हैं self, ताकि हमको सब बड़े कौन होंगे reflexive pronoun. Clear? अब तो singular number ओके जदी सेल से होची ताले आपण बर से काही जो पण प्लुरल नंबर से सिंगुलर नंबर से ना यूज होवा सेल एवं प्लुरल नंबर से ते यूज होवा आपण पण असे इथे आहे होचे आवर सेल आपण सेल सब सेल सब इथे आहे मी यूज करूची एस सी एल व्ही सिंगुलर नंबर से कोण पण यूज करू सेल मी होची माइंस सेल बहुत सेल मीन सेल सिंगुलर नंबर से क्लियर ओके तर कोण पण एग्जांपल कसे मीन सो माइंस सेल आवर सेल सेल प्लुरल नंबर से तीन जरा सिंगुलर नंबर से तीन जरा अगले हाउस सेल के सिंगल नंबर से का बिन सेल देन सेल के प्लुरल नंबर से कई सारे ओके कितना यार बेसिक चीज है ओके व्हाट आर मैं जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमें कोको जगह पे यूज कर ये परिकर पढ़ो जी बेसिकली एक 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 कांसेप्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांसेप्ट बेसिकली बैक है ऐसे एक होते है एंड स्टेटमेंट ऑफ प्राय ऐसे नाम मिले ये सब बड़े बैक ऑफ एसएससी एग्जाम में प्राय आते हैं ओके जिन्होंने कांसेप्ट को पढ़ो जी जाएगा Use a reflexive pronoun. Use a reflexive pronoun. It is used after some words like acute. बड़े भगवान जी सब ले कोचिंग मालूम रखा। एक कॉन्सेप्ट उज्जैन पर बड़े भगवान कॉन्सेप्ट कोच मालूम रखा। जितना मैं बहुत पहले यूज करूं चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन संग्रह क्या दो ही प्रकार का यूज आता है मतलब पसंद नहीं पाएगा ओके कौन पर्टिकुलरली हमें देखिबा को बहुत भी ये फॉलो करूं चाहे एवं को बहुत भी ये फॉलो करूं ना बुझ जाला पर ये को केस में कोई भी भार का कंडीशन कौन इतना दरका भार का कंडीशन के लिए इतना दरका इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव केस में यूज ही हुआ दरका जब इतना इंट्रांजिटिव केस में यूज ही हुआ ताले से जगह हमें यूज करी की कौन करेगा रिप्लेसिव प्रोनाउन पर की यूज करी की हमें कौन करेगा करेक्ट कर कर मैक्सिमम प्लान करो डायरेक्ट में जो जी इंट्रांजिटिव कौन इला में जाने चाहिए बहुत यदि ऑब्जेक्ट को फॉलो करे ऑब्जेक्ट को क्वालीफाई करे तब हमें कहीं बारे में ट्रांजिटिव हो एवं भार पर यदि अपन कर ऑब्जेक्ट का यूज ही नहीं हो ताले तक हमें कहीं इंट्रांजिटिव हो ओके बुझ पाला नहीं ता माने देखो अदर सेंस से जब हम बुझिबा हमें कह परबा ट्रांजिटिव का मतलब होची बोले कंप्लीट सेंस ओके बोले स्टेटमेंट लिखा है से स्टेटमेंट का मीनिंग यदि कंप्लीट दिबो ताले तक हमें कहीबा ट्रांजिटिव एम जो सेंटेंस का मीनिंग का इनकंप्लीट दिबो इनकंप्लीट सेंस रे यूज होई दिबो ताले तक हमें कहीबा इन अपन का इंट्रांजिटिव ता माने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब बड़े हमको दबो को सेंस रे ना इंट्रांजिटिव सेंस दबो काई जो जेकर हम आर बोलसे ताले ये भी मतलब अपन का कौन है जीव ट्रांजिटिव हो जदि एक हम रिमूव करबा बा डिलीट कर दोसी ताले मतलब ये कौन है जाउसे ताले इंट्रांजिटिव को हम ट्रांजिटिव करबा आज हम आर बोले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आज हम रिमूव करबा रिफ्लेक्सिव ताले कौन है अपन का कौन वर्ब यूज करबा कौन आर बोले कौन रिमूव करबा ये क्वेश्चन अपन को एग्जाम में से अपन मॉडल करेंगे जो कांसेप्ट अपन ने देखा है ओके ताले से देखिए सम वर्ड्स लाइक एक्यूट पे बहुत मन रखिए वो को हम तो देखो एक्यूट आहे रिकंसील अम्यूज रिजाइन अमेज अडा एडजस्ट ट्राइड असे एंजॉय प्रेजेंट मध्ये नाही पाहिजे ओके प्रेजेंट मध्ये नाही पाहिजे ओके पर्टिक्युलरली ए पर्टिक्युलर वर्ड पर आपण जो सब वेळ कोणी यूज होबो ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होबो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कोई सा यूज होबो ना सब्जेक्ट फॉर्म यूज होबो सब्जेक्ट फॉर्म रे आपण सब्जेक्ट लिख के जहां दिबो सेही हिसाब रे आपण कोणे दिबो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होबो बरोबर दिखो आई इज अरे रोमांस जदी वी इज तरी दिबो आवर सेल्फ
जदि आपण ही नेची ताले जोगिंग सर रिसीव नेची से जो पर्सन डिपेंड अपॉन द सब्जेक्टिव केस क्लियर क्लियर देखो ये जो एग्जांपल दे आई छी मानसून अवेल प्लान के इन छोटी मॉडल फाइल छी आमे जानि छी जे अवेल ए पर्टिकुलर वर्ब परे ये सबले कहां को फॉलो करबो ना रिफ्लेक्सिव प्लुरल को फॉलो करबो मतलब यार का रिफ्लेक्सिव प्लुरल बाका देखो ये यूज ही छी मानसून तो मतलब छै मानसून को के यूज ला ओ के प्रूव कर दे ये सारा सब्जेक्ट पर डिपेंड करे देखो ये सब्जेक्ट पे कौन किया वन तो वन फाइल पर मेट यूज ही छी ना वन सर यूज ही छी बुझला ता तै मोर कहर मतलब हो छी ये जो वर्ब का आपन का यूज है दीस आर द वर्ब्स वेयर यूज्ड ओके वेयर दीस आर द वर्ब्स ओके दीस आर वर्ब्स आर यूज्ड ऑलवेज इन द ट्रांजिटिव फॉर्म ओके इमीडिएटली फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओके टू डिनोट टू रेफर टू ट्रांजिटिव फॉर्म वी आर इट ओके सो वन का कैसे यूज हला one should avail oneself of the opportunity which life gives okay one should avail oneself of the opportunity which life gives means edela dekho apan main jinsa apan ka ghari le karantu tariki mu paili kona avail tar ei word pore apan ka use hobo reflexive pronoun depend upon the subjective case ki use hala one tar one pai amar use hobo reflexive pronoun pore hala one sir bujhela apan clear second one if absent is used as verb bujhe ame jagare ka example la banu to absent ko madhya mein use kari paina kon verb form madhe use kari paina present madhe use kari paina ye form madhe apan ko use kari paina kon reflexive pronoun ema ka banu to ek particular verb par sunal reflexive pronoun clear then comes the next part matlab ame jariba jo tike katha kahi bujhe chhe ne if the door is affected by the action and the result reflexive pronoun is used okay I caught my finger myself jodare ye jagare se kuchi jodi nije nije apan gar kolosi jinsa apan gar door par affect hochi okay tare se jagare ami kon koi pariba eta door eta door apan gar chhe d o e r door door mona ke door boli koiba door d o e r door matlab ami eta nije conscious self okay I caught my finger myself mu niche niche na pakatich bujhatra ne e jo action ta mu ke karuchi individual karuchi nije karuchi jodi nije karuchi e jaga ta reflexive pronoun ra use kori paribo mu jo jinsa nije karuchi bujhatra ne tame nije rosei karucho nije lekhucho nije khaucho nije jo jinsa apale self bujhatra ne nije karu jo sei jaga ta ame use kori paribo kono mu koibo I caught my finger myself जो जिनसा नीचे नीचे एक्शन है आपण प्रेजेंट करू छे ते जरा मग यूज करू छे ई होच फंडामेंटल रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज व्हेन द सब्जेक्ट एम्फसाइज एक्शन और स्किल यदि एक्शन और स्किल रे मन रखियो आणि एक्शन और स्किल को आयडेंटिफाई करू छी तले से जरा मग रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज होतो मतलब नीचे पोटेंशियल ओके आई विल माईसेल्फ कंप्लीट माय वर्क मूव कामडा करू छी नीचे करू छी इंडिविजुअल ये माने जहा ते कांसेप्ट माने से या मतलब से स्किल हो एक्शन हो का जिस नाम में जे करू छी इंडिविजुअली करू छी थे जगह पे यूज करि पाए ना रिफ्लेक्टिव नाम आई विल माईसेल्फ कंप्लीट द वर्क काम का केस तो हो से माईसेल्फ को पाए यूज ऑफ द आई का यूज ओके वी विल आवरसेल्फ का एक हम एक और देख वी विल आवरसेल्फ फेस द प्रॉब्लम इस सिचुएशन फेस करू छी के हम नीचे इंडिविजुअली फेस करू छी जदि इंडिविजुअल सेंस रे यूज हो छी ताले के आपन कर हम सब बड़े यूज करबा कोन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करी बात आले वी पेंट कोड यूज छी आवाज सर के यूज छी बुझो तो रे बेले बेले ई कांसेप्ट आपले हो फंडामेंटल छ बेले बेले जो जिनसा इंडिविजुअल यूज हे दिबो स्किल पे यूज हे दिबो एक्शन पे यूज हे दिबो बुझो तो रे आ डुअल केस निजे अफेक्टेड हो छी बुझो तो रे मोर मोर चली के जाउ छी मोर मोर बात बाजि को जाउ छी निजे अफेक्टेड हो छी माने आणि निजे अफेक्टेड हो छी जो जिनसा निजे अफेक्टेड हो छी बा निजे आपण निजे मतलब निजे संपर्क हो छी जुजेंसका निजर एक्शन जोटा निजर स्किल ओके से जगह हमे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करे परे आपण इन द सब्जेक्टिव केस बुझला का नो डाउट क्लियर बेटा देन कम्स द नेक्स्ट कांसेप्ट नेक्स्ट वन इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज बरतर के जानिबा किले याको हम कोन जगह रे यूज करि परबा नाही ओके
Reflexive pronoun is not used as subject. ये के लिए sentence very important. और object को अपने subject का object case को case में use कर पाएगा नहीं unless it's a noun. Okay? वो case में use कर पाएगा था. मैंने रखा. जितने बड़े हमें self related term का भी use करेगा. मैंने कहा वो पहली myself. पूजा मिश्रा. তাহলে এই যে টার্মটা আপনারা ইউজ হলা ই আইডেন্টিফাই করা হলো অবজেক্ট বাট এই যে মাইসেলফ ইউজ করা গেল ই ডিলিট হলো আপনারা ওকে তো সে কোচে আমরা এই যে মাইসেলফ রইলা এই মাইসেলফ কোচে আপনারা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন তো সে কোচে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কো আমি সাবজেক্ট কেসে কি তোমরা ইউজ করি পারিবা না ইয়ে পিলা গুরু দিছি যে পর্যন্ত ইয়া পূর্ব আপনাদের পজেসিভ আপনাদের কোন এই মতলব আপনাদের কোন রইলা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন রে পর্যন্ত ইউজ ইন পার্সোনাল মু কইবি আই মাইসেলফ পূজা মিশ্র প্লেট দিব তাইলে যে পর্যন্ত আপনাদের রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন পূর্ণব পার্সোনাল প্রোনাউন ইউজ এই স্টেটমেন্ট আপনারা পুরি জুতা মানে আমি করতে পারবা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কো আমি সাবজেক্ট কেসে ইউজ করতে পারবা না দেখো দেখি মাইসেলফ সাগর ফ্রম আপনাদের পাঞ্জাব কি দেখো এটা বলে গেল না নেমিং কল পুরো মাইসেলফ ইজ বলে গেল ইয়া পুরো যদি আইডেন্টিটি থাকে বুঝি পাচ্ছ না মানে কি আছে আপনাদের আইডেন্টিটি কাটি দিবে তাহলে এই করে আই আম তাহলে মাইসেলফ আপনাদের করে দিবে ওকে বাই দি রিকোয়ারমেন্ট যদি দেখি না আর পর আর লিখবি না তাহলে আই মাইসেলফ আর দিবি কিছু দেব কিছু সুযোগ আর আই মাইসেলফ আপনারা লিখতে না কিছু সুযোগ আই মাইসেলফ ক্যান ডু দিস ওয়ার্ক এই পারি ওকে কারণ যে জিনিস আমি নিজে করুছি নিজে কামটা নিজে কো আইডেন্টিফাই করছি স্কিল লাগু আচল লাগু বাই ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিফাই করছে তারপরে মধ্যে ইউজ করি পারি ওকে ইটু রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আমি সাবজেক্ট কেসে ইউজ করি পারি আমি যে পর্যন্ত তা পূর্ণ রিফ্লেক্সিভ সরি পার্সোনাল প্রোনাউন ইউজ হই বুঝলা তে কেস আমি ইউজ করি পারি না ওকে প্লাস যদি তো নেক্সট ক্লাসে রেস্ট পার্ট আমি কন্টিনিউ করব ওকে থ্যাঙ্ক ইউ